सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ आपकी हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लगातार मैं आप लोगों को अपडेट दे रही हूँ उत्तराखंड की हिमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाली यूनिवर्सिटी से। जिस भी बच्चे ने CUET एंट्रेंस एग्जाम दिया था, चाहे UG और चाहे PG कोर्स के लिए, तो उनकी जो काउंसलिंग की अपडेट है वो सारी मैं आपको दे रही हूँ। इसके अतिरिक्त जो भी बच्चे आने वाले भविष्य में भी उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से कोई भी UG और PG कोर्स करे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं, क्योंकि मैं एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड काफी वीडियो अपने चैनल के माध्यम से लाती रहती हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अभी अभी आज इन्होंने कुछ जो सीट है, जो काउंसलिंग की जो मेरिट लिस्ट है, वो जारी की है, तो ध्यान से सुन लीजिए। अब मैं सेपरेट सेपरेट वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं इसी वीडियो में 4-5 जो भी आई है आज की लिस्ट मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला है सेकंड मेरिट लिस्ट ऑफ BCOM फर्स्ट सेमेस्टर BGR कैंपस पौड़ी, ठीक है। दूसरी है BTech थर्ड सेमेस्टर लेटरल एंट्री फोर्थ मेरिट लिस्ट, यानी कि BTech वालों की जो थर्ड सेमेस्टर वाले उनकी चौथी मेरिट लिस्ट जारी हो गई है। नेक्स्ट है सेकंड मेरिट लिस्ट ऑफ BHM फॉर फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन, सेकंड मेरिट लिस्ट जिन्होंने की BSc बैचलर इन होटल मैनेजमेंट में लेना है, ठीक है। सेकंड मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन BCOM फर्स्ट सेमेस्टर श्रीनगर कैंपस, तो ये श्रीनगर कैंपस के लिए आई है, सेकंड नंबर की मेरिट लिस्ट आ गई है BCOM वाले बच्चों के लिए। इसके अतिरिक्त जिन भी बच्चों ने MCA MTech या CSE में लिया है उनके भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गई है, ठीक है, तो सारे बच्चे देख लीजिए। और इसके अतिरिक्त थर्ड मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन इन BTech फर्स्ट ईयर 2022, लास्ट डेट ऑफ फीस डिपॉजिट 22 तारीख को कर दी है 5 PM तक, और वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट्स लोगे वो 31 अक्टूबर तक लिखे हैं उन्होंने। पता नहीं क्यों लंबी चौड़ी इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर इसी कोड के लिए दिया, शायद मेरे ख्याल से ये लास्ट मेरिट लिस्ट है BTech वाले बच्चों के लिए। इसके अतिरिक्त BA फर्स्ट सेमेस्टर की सेकेंड मेरिट लिस्ट आ गई है श्रीनगर कैंपस के लिए, और है आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट बी फार्मा सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री एडमिशन 2022। और इसके अतिरिक्त आई थी आपकी थर्ड एडमिशन लिस्ट BTech लेटरल एंट्री, और एक और है सेकेंड मेरिट लिस्ट फॉर द एडमिशन इन BSc हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो ये बच्चों लिस्ट आई है 15 से लेकर 19 तारीख तक अभी तक की, तो आप सारे बच्चे जाके देख लीजिए। बाकी डॉक्यूमेंट जो है जो मैंने बताया किस दिन आपकी काउंसलिंग है, अब आप खुद जाके इस PDF को चेक करिए। कैसे चेक करना है वो भी मैंने आपको बताया है, दोबारा बता देती हूँ। HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को खोलिए और यहाँ पे जाइए आप एडमिशन में, ठीक है। यहाँ पे आएगा एडमिशन प्रोस्पेक्टस, उसे छोड़ दो, फॉर्म भी छोड़ दो, एकेडमिक कैलेंडर भी छोड़ दो, फीस स्ट्रक्चर भी छोड़ दो। फिर आता है काउंसलिंग इन्फॉर्मेटिव मेरिट लिस्ट, यहाँ पे जाएंगे तो यही पेज खुल के आएगा जिस पेज में मैं अभी आपके सामने दिखाई दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे PDF है, सपना देख लो किस दिन काउंसलिंग है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने। शॉर्ट में बता देती हूँ, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, CUT का स्कोर कार्ड और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, TC चाहिए वो ओरिजिनल चाहिए, बाकी ST SC OBC का कोई भी सर्टिफिकेट चाहिए वो सेंट्रल का इश्यू होना चाहिए और 31 मार्च के बाद का होना चाहिए। TC जो होगी वो 6 महीने से ज़्यादा पुरानी, जो भी TC कैरेक्टर और जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो 6 महीने से ज़्यादा आपके पुराने नहीं होने चाहिए। इसके अतिरिक्त जो आपको लेके जाने डॉक्यूमेंट वो 3 सेट लेके जाने हैं, फोटोकॉपी और जो एडमिशन फॉर्म है वो भर के लेके जाना है। एडमिशन फॉर्म जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी है वो प्रोस्पेक्टस में है, वो भी टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाला हुआ है, आप चाहे तो वहां से जाके ले सकते हैं। फोटोग्राफ लेके जाइए, आधार कार्ड लेके जाइए, ये सारी चीजें लेके जानी है। और साथ में बच्चों जो डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे ना फोटोकॉपी, उनको सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब सेल्फ लिखना है, अटेस्टेड लिखना है और उसके बाद सिग्नेचर करने हैं और डेट डाल देनी है। अटेस्टेड का मतलब ATESTED, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्वयं सत्यापित कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। नॉर्मली इन्हें गवर्नमेंट ऑफिशियल करते हैं लेकिन आप इसे कर सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी वालों ने बोला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को लेके जानी है, CUT स्कोर कार्ड जरूर लेके जाना है, एडमिशन फॉर्म जरूर लेके जाना है। तो बस बच्चों यही था इम्पोर्टेंट वीडियो, और कल मैं जा रही हूँ अपने घर हिमाचल, तो इसलिए मैं आपको वीडियो नहीं दे पाऊंगी, तो मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे छोटी छोटी अपडेट आप लोगों को दे दूंगी, ठीक है। तो जो भी है आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, टीचिंग एंड लर्निंग हब _ सुमन ठाकुर के नाम से, और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं ये PDF जो है वो वहीं पर शेयर करूँगी, ठीक है। तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां एडवांस में, हालांकि मैं उस दिन भी आप लोगों के साथ लाइव रहूंगी, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते, धन्यवाद।